हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, आप सभी का यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ट्रिपल सी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे जो क्या है, सेट ऑफ 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का सेट है और जो कि हिंदी में है। ठीक है, आज हम लोग हिंदी में पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पेपर कैसे सॉल्व होता है और पेपर सैम्पल पेपर है ये, तो कैसे पेपर आता है आप लोग में। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको आंसर देने रहते हैं। ठीक है, आइए तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग यूनिक ऑनलाइन गुरु द्वारा ये पेपर दिया हुआ है सैंपल, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, पहला क्वेश्चन कहा है कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के बीच में संबंध को क्या कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर आपका होता है और उसके जो बाहर के उपकरण होते हैं इनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ए पोर्ट, बी बस, सी IO डिवाइस और डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ए पोर्ट। ठीक है, पोर्ट के ही द्वारा हम क्या करते हैं, बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको USB पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो वही हो गया पोर्ट। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जोड़ घटा गुणा विभाजन और तर्क ऑपरेशन किस पर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जोड़ना घटाना गुणा करना विभाजन करना या तर्क। ठीक है, ये सब किस पे किए जाते हैं, आइए देखते हैं ऑप्शन। ये सब देखिए, पहला रजिस्टर, दूसरा ALU, तीसरा कंट्रोल यूनिट और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, बी ALU। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म ही होता है, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है फुल फॉर्म ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं, जैसे पहला है कार्टिज टेप, दूसरा बी ऑप्टिकल डिस्क, सी हार्ड डिस्क और डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्या है, पहला है कार्टिज टेप, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा हार्ड डिस्क और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन चौथा, इन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस मतलब वो डिवाइस जिसके थ्रू हमें कंप्यूटर रिजल्ट देता है। ठीक है, आइए पहला प्रिंटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा मॉनिटर और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो कौन सा, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और इनमें से कोई भी नहीं। तो कीबोर्ड एक ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या पूछा गया है, नहीं। ठीक है, इसलिए कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या है, नीचे दिए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। ठीक है, मतलब जो ऑड होगा उसको चुनना है, जो इसमें से मेल नहीं खाता हो। ठीक है, पहला है नॉर्टन, दूसरा है आपका ई स्कैन, तीसरा है मैक फ्री और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा डी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आपके ये जो तीनों है ना, ये क्या है, ये आपके एंटीवायरस है, मैक फ्री, ई स्कैन और नॉर्टन। ठीक है, तो ये तीनों एंटीवायरस हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनमें से बाहर हो। ठीक है, छठवां, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी CD-ROM सॉफ्टवेयर और डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8। ठीक है, ये सब जो है ये क्या है सब आपका, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आइए आइए अगला क्वेश्चन, सेवेंथ क्या कह रहा है, 1 MB बराबर क्या होता है। ठीक है, 1 MB बराबर क्या होता है, आप लोग मेमोरी देखते होंगे कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में, 1 MB, 1 GB। ठीक है, तो उसी तरह 1 MB बराबर क्या होता है, पहला है प्रत्येक कंप्यूटर में रैम की मात्रा, 1 बिलियन बाइट्स, 1024 KB। ठीक है, और 1000 बाइट। ठीक है, तो अब देखिए 1 MB बराबर होता है 1024 KB। ठीक है,
1024 KB बराबर 1 MB। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। प्रिंटर का रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब होता है कि उसका जो भी आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो उसको कैसे नापते हैं। ठीक है, आइए। पहला है मेगाबाइट में, दूसरा है डॉट्स पर इंच में, तीसरा है हर्ट्ज में और चौथा है इंचेज में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी, इंचेज। ठीक है, क्या है? डी, इंचेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रोग्राम्स की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली उपयोगिता यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रोग्राम्स की गति बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली उपयोगिता यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? ठीक है, उपयोगिता का ही इंग्लिश में क्या है? यूटिलिटी। ठीक है, आइए। पहला क्या है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर, दूसरा है डिस्क फॉर्मेट, तीसरा है सी डिस्क क्लीनअप और चौथा है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित चार्ट में से कौन सा प्रोजेक्शन ग्राफिक्स पैकेज के विश्लेषण में शामिल होने की संभावना नहीं है? ठीक है, अब ग्राफिक्स में कौन सा प्रेजेंटेशन नहीं आता है? ठीक है, आइए। बार ए, बी टेम्परेचर, सी पाई, डी लाइन। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्राफ का नहीं है? ठीक है, आप जब भी बनाते हैं तो ग्राफ इसमें से कौन सा नहीं है, तो ग्राफ में कौन सा नहीं आता? लाइन। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक पैकेज में नहीं आता है। कौन सा? डी, लाइन। ठीक है, आइए अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 11। प्रिंटर जो एक प्रिंट एलिमेंट दबाकर आउटपुट का उत्पादन करते हैं और निरंतर पेपर के विपरीत एक स्याही रिबन को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रिंटर जो एक प्रिंट एलिमेंट दबाकर आउटपुट का उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंटर से जब भी कोई कागज निकलता है ना तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट के रूप में। ठीक है, और निरंतर पेपर के विपरीत एक स्याही रिबन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ए इंपैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, सी स्कैनिंग प्रिंटर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर में एक रिबन लगा होता है इंक वाला, ठीक है, स्याही रिबन, उसी के थ्रू प्रिंट होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाहरी डॉस कमांड है? ठीक है, डॉस कमांड एक कमांड होता है जो कंप्यूटर में दिया जाता है, तो उसी में पूछ रहा कि इसमें से कौन सा बाहरी डॉस कमांड है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। ए कॉपी, बी डेल, सी फॉर्मेट और डी डिर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी फॉर्मेट। ये आपका क्या है? ये आपका एक बाहरी कमांड है। ठीक है, आइए अब पूछा कि वर्चुअल मेमोरी इसमें से कौन सी है। वर्चुअल मेमोरी कौन सी है? पहला ए मुख्य मेमोरी का हिस्सा केवल स्वैपिंग के उपयोग के लिए। ठीक है, दूसरा एक तकनीक जो मुख्य मेमोरी के आकार से अधिक आकार के प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है। सी प्रोग्राम एक्सक्यूजन में उपयोग किए जाने वाले सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा। डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? ए मुख्य मेमोरी का हिस्सा केवल स्वैपिंग के उपयोग के लिए। ठीक है, क्या है? मुख्य मेमोरी का हिस्सा केवल स्वैपिंग के उपयोग के लिए। आइए अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? बॉड दर है। ठीक है, अब एक दर होती है जिसका नाम क्या है? बॉड। अब ये क्या होता है देखते हैं। सबसे कम और उच्चतम फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड के बीच का अंतर, ट्रांसमिशन और कैपेसिटी, चैनल की ट्रांसमिशन स्पीड और इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चैनल की ट्रांसमिशन स्पीड। किसका मतलब है? 14 वाले का। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? चैनल की ट्रांसमिशन स्पीड। आइए क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा ईमेल पता का एक उदाहरण है? ठीक है, आप लोग ईमेल आईडी सब लोग बनाते होंगे, इसमें कौन सा ईमेल का एक उदाहरण है? ठीक है, आइए http://venet.com/index.htm, बी डी ईमेल स्टैंडर, सी joesmart@billme.com या डी cheminate.org/teachers.mailaddresses। ठीक है,
तो आपका इसमें से ईमेल क्या है, इसमें से आपका ईमेल है सी जोयस, ठीक है, क्या है आपका सी जोयस माल्ट एट द रेट बिलमी डॉट कॉम। जैसे आप लोग बनाते होंगे abc.@, ठीक है, या abc@gmail.com, तो वैसे ही ये भी है। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, बिलमी डॉट कॉम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क से क्लिप आर्ट चित्रों को डिस्क दस्तावेज में डालने के लिए निम्न विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट को अगर आपको डिस्क में डालना है तो क्या करते हैं, इंसर्ट पिक्चर कमांड, ऐड पिक्चर कमांड, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड या इंसर्ट फाइल कमांड, ठीक है। डिस्क से ही डिस्क, देखिए डिस्क से क्लिप आर्ट चित्रों को डिस्क दस्तावेज में डालने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट पिक्चर कमांड, ऐड पिक्चर कमांड, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड या इंसर्ट फाइल कमांड। तो इसका सही आंसर है इंसर्ट फाइल कमांड, ठीक है। जब आप इंसर्ट फाइल कमांड करेंगे तो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी, कहाँ पर, डिस्क में जहाँ वर्क किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए इनमें से एक उपकरण नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो भी ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण नहीं है जो स्प्रेडशीट के डेटा का विश्लेषण करे, ठीक है। पहला क्या है, पहला है आपका वाइट इफ एनालिसिस, ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। दूसरा है गोल सीक, तीसरा है मेल मर्ज और चौथा है सेटिंग, ठीक है। क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, मेल मर्ज और सेटिंग। तो इसका आंसर है मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज क्या है, मेल मर्ज आपका विश्लेषण के लिए काम नहीं आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पोर्ट अभी पहले वाले सवाल में हमने सीखा था पोर्ट क्या होता है, अब देखना है कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है या कैसे किया जाता है, अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वेब से फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, सभी हार्ड ड्राइव के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक साथ कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को पहले पता है अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स को, अन्य कंप्यूटर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए पोर्ट का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी फाइल केवल ग्राफिक्स फाइल्स के एक्सटेंशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब जैसे आप लोग फाइल सेव करते हैं बार बार, तो फाइल जब सेव करते हैं तो उसमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो ग्राफिक्स फाइल को इंडिकेट करती है, ठीक है। आइए पहला क्या है, bmp and doc, तीसरा है txt and stk, फिर उसके बाद क्या है jpeg and txt, और चौथा क्या है bmp and gif, ठीक है। तो इसका आंसर है सी jpeg and txt। अगर इस एक्सटेंशन से फाइल सेव है तो वो कौन सी फाइल है, वो सिर्फ ग्राफिक्स फाइल है आपकी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गुणा अंक गणितीय ऑपरेटर को निम्नलिखित प्रतीकों में से किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब जो गुणा करते हैं उसमें कौन सा संकेत लगता है, ठीक है, abcd, तो इसमें कौन सा लगता है, dc वाला, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग स्टार बोलते हैं, पर ये होता क्या है, एस्ट्रिक्स, ठीक है। एक्स लगता नहीं है, हाइफन लगता नहीं है और स्लैश नहीं लगता, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं पे, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें से तीन तो ऐसा होगा जो है, हमें कौन सा ढूंढना है, नहीं वाला, ठीक है, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। आइए एमएस वर्ल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम और एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। क्या क्या है, ए आपका एमएस वर्ल्ड, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी स्क्रीन सेवर प्रोग्राम, डी एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं,
हार्ड डिस्क दोनों तरफ से लेपित होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क दोनों तरफ से लेपित होती है। इसका आंसर ए मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन लेयर, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड और डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या है, ए मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 23 कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन मान्य है, ठीक है, कौन सा कथन मान्य है, यह कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, यह कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, उपयोगकर्ता द्वारा समझा जाता है, या प्रोग्रामर द्वारा समझा जाता है, या डी बी और सी दोनों, ठीक है, क्या है, बी और सी दोनों। इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों, ये उपयोगकर्ता द्वारा भी समझा जाता है और प्रोग्रामर द्वारा भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आप लोग सब लोग सीडी जानते हैं, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं, कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कंपैटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो हम लोग सीडी यूज करते हैं ना, उसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, पहला हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाना, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाना, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्या है, हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाना, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा डिवाइस डायरेक्ट प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर रहे हैं, 26 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी डिवाइस डायरेक्ट प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, अब OCR, ठीक है, MICR, OMR और ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, OCR, OCR क्या करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करने में काम आता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर्स को निर्देश देने के लिए क्या एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए क्या एग्जीक्यूट करना होता है, ए क्या लिखा है, पैरेलल ओनली, बी सिक्वेंशियल एंड पैरेलल और दोनों, सी सिक्वेंशियल ओनली और डी ऊपर के सभी। फिर से मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, ए पैरेलल ओनली, बी सिक्वेंशियल एंड पैरेलल दोनों, सिक्वेंसली ओनली और ऊपर के सभी। तो बी हो गया सिक्वेंसली एंड पैरेलल दोनों, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी सिक्वेंसली एंड पैरेलल दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, किस व्यक्ति ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को डिजाइन किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले कंप्यूटर इनैक को डिजाइन किया था, ए वैन न्यूमैन, बी जे प्रेस्पर एरेक्ट एंड जॉन, ठीक है, सी जॉस एम जैकवर्ड और डी ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, जे प्रेस्पर एरेक्ट एंड जॉन, इन्होंने मिलके इनैक कंप्यूटर को डिजाइन किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है, मतलब समर्पित कंप्यूटर या डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, इसका पहला है जिसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे एक और केवल एक कार्य दिया गया हो, जो एक तरफ के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हो, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जिसे एक और केवल एक ही कार्य दिया गया हो, ठीक है, इसके पास और कोई कार्य ना हो, तो ये सिर्फ एक ही कार्य पे क्या रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, सिर्फ वही काम करेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30,
एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सीपीयू, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक मशीन भाषा में एक समय में एक प्रोग्राम निर्देशों को अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक मशीन भाषा में एक समय में एक प्रोग्राम निर्देशों का अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी सीपीयू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन रीड करता है और सबको अनुवाद करता रहता है। ठीक है, जबकि कंपाइलर पूरा एक साथ ही करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? एक कंप्यूटर होता है, अब इसमें से कौन सा एक है जो कंप्यूटर होता है? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, मेमोरी और ऊपर के सभी। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगिताकर्ता को किसी भी नंबर को बदलने में मदद और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम देता है। ठीक है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को किसी भी नंबर को बदलने में मदद करता है और तुरंत उस परिवर्तन का परिणाम भी देता है। ए डेस्कटॉप पब्लिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, बी स्प्रेडशीट, सी डेटाबेस और डी ऊपर के सभी। फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोग्राम, बी स्प्रेडशीट, सी डेटाबेस और डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? एक्सेल में यूज होती है। ठीक है, आइए आइए हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? एफ एट की को दो बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है? ठीक है, क्या कहा है? F8 की को दो बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है? पहला वर्ड, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा सेंटेंस, चौथा ऊपर के सभी। ठीक है, तो अगर हम F8 की को दो बार दबाएंगे तो क्या सिलेक्ट होगा? तो क्या सिलेक्ट होगा दोस्तों? सिलेक्ट होगा आपका 34 का सी, सेंटेंस। क्या हो जाएगा? 34 का सी, जिसको क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, आइए 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर शुरू करने के निर्देश को कौन संग्रहित करता है? ठीक है, कंप्यूटर शुरू करने के निर्देश को कौन संग्रहित करता है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तीसरा सीडी रोम और चौथा ऊपर के सभी। ठीक है, पहला क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और सीडी रोम और ऊपर के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी चिप ही हमें कंप्यूटर ओपन करने के लिए संग्रह करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? आप एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे डिसेबल कर सकते हैं? डिसेबल करने का मतलब होता है उसको खत्म करना, बंद कर देना। ठीक है, आइए क्या है? प्रेस F8 अगेन टू डिसेबल, ठीक है, प्रेस F8 अगेन टू डिसेबल। दूसरा क्या है? प्रेस स्किप टू डिसेबल। तीसरा क्या है? प्रेस डिलीट की, इसको डिलीट बोलते हैं, ठीक है, डेल होता है डिलीट, प्रेस डिलीट की टू डिसेबल। और चौथा क्या है? प्रेस इंटर टू डिसेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रेस F8 अगेन टू डिसेबल। अगेन का मतलब होता है एक बार आप प्रेस किए हैं तो उसी ने इसको क्या किया है? इनेबल। अब दूसरी बार आप प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिसेबल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी, कुंजी मतलब की, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसके जरिए आप कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है, कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप दबाएंगे? पहला है ए
ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस सी, सी ऑल्ट प्लस सी, और डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका आंसर दोस्तों ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज की रेंज क्या है? ठीक है, तो ध्यान किस पे देंगे? सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज की रेंज क्या है? ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार आपको मिलता है कहाँ पे? टूल बार आपको मिलता है एक्सेल में, वर्ड में, सब जगह। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए। ठीक है, सबसे छोटा क्या है? 8 और सबसे बड़ा 72। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इस ये क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रोसेसर के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफिक्स सोल्यूशन होता है? ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफिक्स सोल्यूशन होता है? ए क्लिप आर्ट, बी ड्रॉप कैप, सी वर्ल्ड आर्ट, और डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर है ए क्लिप आर्ट। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ए क्लिप आर्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40। की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किस लिए किया जाता है? आइए देखते हैं। ए स्क्रीन फॉन्ट साइज, बी टेक्स्ट बोल्ड होना, सी इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, और डी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के लिए इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करना। तो देखिए कंट्रोल प्लस आई है तो इसका आंसर क्या है? डी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के लिए इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करना, ये क्या है? ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। जब एक श्रेणी का चयन किया जाता है तो आप पिछले सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ठीक है, जब एक श्रेणी का चयन किया जाता है तो पिछले सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? तो अब इसका आंसर देखते हैं 41 का। पहला ऑप्शन है ए ऑल्ट की प्रेस करके, बी प्रेस इंटर, सी प्रेस टैब, और डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं ऑल्ट की, इंटर और टैब, इन तीनों से ये काम नहीं होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं जो कि पावर पॉइंट से है। आइए, पावर पॉइंट में कौन सा फाइल का फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? ठीक है, पावर पॉइंट में कौन सा फाइल का फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? ए डॉट जेपीजी, बी डॉट डब्ल्यूएवी, सी डॉट एमआईडी, और डी ऊपर के सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऊपर के सभी। ये जो तीनों फॉर्मेट आपके ऑप्शन में दिए हैं, आप इन तीनों फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट के शो में जोड़ सकते हैं फाइल में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में दो प्रकार के साउंड इफेक्ट फाइल्स को प्रेजेंट करते हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्या कहा कि दो तरह के क्या होते हैं? साउंड इफेक्ट दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइल को प्रेजेंट करते समय उन्हें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? पहला है डॉट डब्ल्यू ए वी और डॉट एम आई डी फाइल्स, दूसरा है डॉट डब्ल्यू ए वी डॉट जे पी जी फाइल्स, तीसरा है डॉट डब्ल्यू ए वी और डॉट जी आई एफ फाइल्स, चौथा है डॉट जे पी जी जे जे जी पी एंड डॉट जी आई एफ फाइल्स। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ए डॉट डब्ल्यू ए वी और डॉट एम आई डी फाइल्स। ठीक है, ये फाइल अगर आपके पास है तो आप ये साउंड इफेक्ट आप जोड़ सकते हैं किसमें? पावर पॉइंट में। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, जो आप एक्सेल ओपन करते हैं तो उसको वर्कबुक क्यों कहा जाता है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसका पहला ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट और डेटा होता है, बी इसे संशोधित किया जा सकता है, सी इसमें वर्कशीट और चार्ट शीट सहित कई शीट शामिल होती हैं, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है सी, इनमें वर्कशीट और चार्ट शीट सहित कई शीट शामिल होती हैं। ठीक है, क्या? सी इसमें वर्कशीट और चार्ट शीट सहित कई शीट शामिल होती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 का है, एक्सेल में 1 जनवरी 2010 को सेल में एंट्री करनी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, अगर आपको एक्सेल में 1 जनवरी 2010 लिखना है तो उसको एंट्री करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45।
ए लेबल, बी फॉर्मूला, सी वैल्यू और डी टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इसका आंसर है सी वैल्यू। ठीक है, अगर आप वैल्यू के फॉर्मेट में करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा एक्सेल में मान्य डेटा प्रकार नहीं है? ठीक है, अब मान्य डेटा प्रकार नहीं है इसका मतलब क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक्सेल के लिए क्या है, मान्य नहीं है। ठीक है, ए लेबल, बी नंबर, सी कैरेक्टर और डी डेट एंड टाइम। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सी कैरेक्टर। इसका आंसर है सी कैरेक्टर। 46 का आंसर क्या है, सी कैरेक्टर। आइए 47 देखते हैं। आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्टकट मेनू को हम कैसे दिखा सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, ए फॉर्मेटिंग टूल बार पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करना, बी वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करना, सी वर्तमान स्लाइड पर एक आइकन पर क्लिक करना और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है वर्तमान स्लाइड पर राइट क्लिक करना। जो भी स्लाइड आपकी चल रही है उस पर आप राइट क्लिक कर देंगे तो आप स्लाइड के दौरान शॉर्टकट मेनू देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है? ठीक है, आप एक से ज़्यादा स्लाइड उसमें चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। पहला है ए ऑल्ट प्लस क्लिक स्लाइड, बी शिफ्ट प्लस ड्रैग ईच स्लाइड, सी शिफ्ट प्लस क्लिक ईच साइड और डी कंट्रोल प्लस क्लिक ईच साइड। तो इसका आंसर है सी, शिफ्ट के साथ आप क्लिक करेंगे हर स्लाइड पे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी एक से अधिक स्लाइड का चयन हो जाएगा। किस में, प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है स्लाइड को टेस्ट करने के लिए विविध एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है? ठीक है, अगर स्लाइड को टेस्ट करना है तो उसमें एनिमेशन लगाएंगे और विविध एनिमेशन लगाने का क्या वो है? ठीक है, आइए कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन में इफेक्ट को अप्लाई करना, बी एनिमेशन स्कीम अप्लाई करना, सी एनिमेट क्लिप आर्ट के साथ कस्टमाइज बुलेट्स अप्लाई करना और डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एनिमेशन स्कीम अप्लाई करना। क्या हो जाएगा, बी एनिमेशन स्कीम अप्लाई करना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या देखते हैं। पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, ठीक है, पावर पॉइंट का वो व्यू जो केवल टेक्स्ट शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है। पहला स्लाइड शो, दूसरा स्लाइड शॉर्टर व्यू, तीसरा नोट्स पेज व्यू और चौथा आउटलाइन व्यू। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आउटलाइन व्यू। क्या है, आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो हमने ये पहला सेट देख लिया है ट्रिपल सी का। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।